सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है पोको इंश्योरेंस एल जी बी के एपिसोड में। और भाई लोग, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग भाई आ गए थे आइल ऑफ आर्मर के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को अपनी एक नई राइवल मिली थी जिसका नाम था क्लरा। भाई वो एक लड़की है। देखो, पहले हम लोग को होप मिला था अपना राइवल, और इस बार हम लोग को मिली है क्लरा, जो कि एक लड़की है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। भाई उसको हराने में भाई अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। और उसके बाद भाई जब एंडिंग में ना हम लोग को एक और बंदा मिला था जिसका नाम था मस्टर्ड ऐसा कुछ तो उसका नाम था भाई, मस्टर्ड ऐसा कुछ तो नाम था भाई उसका। और उसको भी हम लोग ने हराया था। और अभी क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है हम लोग को ना, यहाँ पे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई सब कुछ जो यहाँ पे लिख के आ रहा है जो भी सब कुछ है पोर्टुगीज में, और पोर्टुगीज हम लोग को भाई थोड़ा भी नहीं आता है। तो इसके लिए भाई हम लोग को थोड़ा भी गेम पता नहीं कि क्या करना है। बट आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने पूरा गेम एकदम अच्छे से पता लगा लिया कि हम लोग को क्या करना है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि हम लोग को आइल ऑफ आर्मर के अंदर करना क्या है। सो मतलब इसके बाद ये वाला एपिसोड और इसके बाद जो भी एपिसोड्स आएंगे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के सभी एकदम इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक को भी मिस आउट मत करना। अगर आप लोग पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड जीबी खेल रहे हो तो एक को भी मिस आउट मत करना भाई, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। देखो मेरे को क्या लगा था पता है, आइल ऑफ आर्मर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट ऐसा कुछ है नहीं भाई। मैंने पूरा गेम का एकदम ए टू जेड पूरा पता लगा लिया कि आइल ऑफ आर्मर के अंदर क्या है भाई, कभी क्या करना है, किस टाइम पर क्या करना है, अभी क्या करना है, क्या करना है भाई, मतलब पूरा ए टू जेड मेरे को पता है कि गेम को एंड करने तक हम लोग को क्या करना है। सो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई गेम खेलने में, और आप लोग को भी मैं एकदम अच्छे से गाइड करते रहूँगा कि क्या करना है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। पहले मेरे को कॉर्विक नाइट की मूर्ति ढूंढनी, तो कहाँ पे गई वो ये देखो, ये रहा अपना टैक्सी। और यहाँ पे जब हम भाई टैक्सी से मतलब यहाँ पे मतलब जब हम टैक्सी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कॉर्विक नाइट दिखते हैं। और ये जो सभी कॉर्विक नाइट है ना भाई, 6-7 ऐसा कुछ तो टोटल हैं, ये ना भाई हम लोग को आइल ऑफ आर्मर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर लेके जाएंगी। देखो आइल ऑफ आर्मर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और आइल ऑफ आर्मर के अंदर जितने भी जगह है ना भाई, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए ना, तो यहाँ से ना भाई हम लोग जा सकते हैं दूसरे जगह पे, जहाँ पे हम लोग को ये लेके जाएगा जो अपना कॉर्विक नाइट का टैक्सी है वो लेके जाता है। तो आइल ऑफ आर्मर भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और सभी के सभी आइल ऑफ आर्मर के पार्ट्स जो है भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग की टैक्सी की ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग को बिल्कुल भी टैक्सी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। बट हाँ, टैक्सी से थोड़ा टाइम छोटा पड़ता है इसके लिए, और मैं आपको आगे एकदम अच्छे से समझाते रहूँगा कि क्या करना है आपको, किस टाइम पे क्या करना है, कहाँ पे क्या जाना है, किससे बैटल करना है, किससे बैटल नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको एकदम बताऊँगा। बस आप लोग भाई मेरे को फॉलो करते रहो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दो अगर आप लोग भाई इस गेम को आगे खेलना चाहते हो तो। मैं एकदम अच्छे से आप लोग को समझाऊँगा, टेंशन ना लो। और यहाँ पे एक और सीक्रेट है भाई, ये देखो ये रहा पोकेमॉन सेंटर। और बहुत सारे लोग को पता नहीं चला होगा भाई, मेरे को भी पता नहीं चला था, बट जब मैंने इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, पूरा देखा मतलब क्या करना है इसके अंदर, आगे क्या करना है, क्या है भाई पूरा गेम, तो मेरे को सब कुछ अभी इसकी मतलब एक टाइम पे ना बोल सकते हो कि स्वॉर्ड एंड शील्ड जीबी आइल ऑफ आर्मर के अंदर मैं प्रो बन चुका हूँ, और मेरे को यहाँ पे लिटरली सब कुछ मालूम पड़ गया है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे को कुछ रिपिल्स खरीदने दो, क्योंकि भाई यहाँ पे ना रिपिल्स की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और रिपिल्स नहीं होंगे तो भाई हम लोग अटक जाएंगे। यहाँ पे रिपिल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भाई, और इसके लिए मैं 50 रिपिल्स खरीदने की सोच रहा हूँ, और खरीद लेते हैं, बट पैसे नहीं है मेरे पास। ओके, 24 भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास पैसे बहुत कम है भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, 24 भी बहुत ज़्यादा है भाई, पैसे ठीक है यार, क्या कर सकती है, पैसों के मामले में हम लोग भाई थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं फिलहाल। ओके, यहाँ पे देखो, अभी देखो मेरे को ना एकदम ए टू जेड पता है कि क्या करना है गेम के अंदर, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो मेरे पास रिपिल्स नहीं थे, इसके लिए मैं यहाँ पे रिपिल्स खरीदने आया था, और अभी हम लोग को वापस से उसी जगह पर चलना है जहाँ से हम लोग वापस आए थे भाई। और उस जगह पे चलने के लिए साथ से ये वाला कॉर्विक नाइट हम लोग को लेके जाएगा। ओके, हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग ने भाई मस्टर्ड से बैटल किया था, और अपनी अपोनेंट क्लरा भी यहाँ पे दी। और अभी हम लोग को क्या करना है, देखो अगर आप लोग अभी इसका नाम क्या है भाई, मस्टर्ड से बात करोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, हम लोग को भगा देगा भाई, मतलब कुछ बोलेगा बट हम लोग को समझ में तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हुआ और ये भाई हम लोग को भगा दिया। तो अभी हम लोग को करना क्या है मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। अभी भाई हम लोग को यहाँ से बाहर जाने का है, बाहर जाने के बाद यहाँ पे कुछ पोकेमॉन से बैटल करना है, जो कि उसको करने के बाद ना एक मतलब अपने गेम का नेक्स्ट पार्ट ओपन हो जाएगा। तो बैटल किससे करना है, कहाँ पे मिलेंगे, मैं सब आपको दिखा देता हूँ भाई। फर्स्ट थिंग मेरे को एक रिपील यूज़ करने दो, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस बहुत सारे और वाइल्ड पोकेमॉन जो भी आते भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनसे, बट वो हमारा टाइम बर्बाद कर देते और काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होता है भाई, वो लोग कदम कदम पर आ जाते तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है मेरे को। इसके लिए भाई मैं रिपील यूज़ करने वाला हूँ, और आप लोग भी यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा भाई। अगर आपको वाइल्ड पोकेमॉन से दिक्कत होती है, पकड़ना नहीं है आपको, तो भाई यूज़ कर लिया करो रिपिल, काफ़ी अच्छी आइटम से भाई। और यहाँ पे देखो ये रहा भाई अपना एक स्लो पोक,
हाँ मैंने मतलब पिछले एपिसोड के अंदर मैंने एक स्लोपोक पकड़ा था, मेरे को लग रहा था कि ये साइन ही है, बट ये साइन ही नहीं है भाई, गलारियन है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया, तो थैंक्स अ लॉट सभी को। यहाँ पे देखो हम लोग को ना जो भी गलारियन स्लोपोक दिखेंगे ना सबसे बैटल करना है, और बैटल करने में आप इनको पकड़ भी सकते हो हरा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी भाई, पकड़ना है तो पकड़ लो, हराना है तो हरा दो। मैं तो भाई इनको हरा दूंगा क्योंकि मैंने पहले से एक पकड़ के रखा है, और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे को, क्या करूँगा भाई इतने पकड़ के, एक है वही बहुत है भाई। देखो हम लोग ने यहाँ पे एक स्लोपोक को हराया, और अभी हम लोग को और ढूंढने भाई, पता नहीं कहाँ पे और हैं ये, मेरे को भाई ये लोग का लोकेशन एकदम अच्छे से पता नहीं, बट इतना पता है कि यहाँ पे ये लोग मिलेंगे। और टोटल यहाँ पे 3 स्लोपोक है, देखो एक यहाँ पे भटक रहा है, रुक भाई रुक, बैटल कर ले रुक, ओके इसको भी हराना है भाई, इसको भी हराना है। टोटल यहाँ पे 3 गलारियन स्लोपोक हम लोग को मिलेंगे, उनको हराने के बाद अपना गेम का नेक्स्ट जो पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हराते भाई, ये भी एक अटैक में फेंट, और अभी हम लोग को तीसरा वाला ढूंढने का है, ओके तीसरे वाले को भी ढूंढ के भाई उसको भी धो देंगे, और उसके बाद अपना गेम कंटिन्यू करेंगे आगे। तीसरा वाला यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे तो नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं मिलेगा यहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा उसको, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मे भी देखते भाई, ढूंढ तो लेंगे, इतना तो मेरे को पक्का पता है कि इसी जगह में कहीं पर भटक रहा है भाई वो भी, जैसे मैं यहाँ से वहाँ उसको ढूंढ रहा, ये देखो यहाँ पे तीसरा वाला, और इससे बैटल करना भाई, इसको भी आप लोग हरा सकते हो भाई, मैं तो हरा दूंगा, पकड़ना तो पकड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग इसको हराओगे या फिर पकड़ लोगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, मैं हूँ ना आप लोग के साथ, बिल्कुल भी टेंशन ना, मतलब भाई लोग मैं हूँ ना, जब तक आप लोगों के साथ टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई आपके साथ है भाई, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अभी देखो हम लोग को, जैसे आप तीनों स्लोपों को हरा दोगे ना, आपको चलना है उसी घर के अंदर जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे भाई हम लोग ने मस्टर्ड से बैटल किया था, वहाँ पे चलना है। और जैसे आप लोग इसके अंदर आओ कि यहाँ पे भी देखना एक नया पार्ट ओपन है गेम का, देखो ये देखो भाई, इसको बोलते एक नया गेम का इवेंट, और यहाँ पे हनी हो पीजेज, बस इतना ही समझ में आया, उसके बाद कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पोर्टुगीज में भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट समझने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, मेरे को सब कुछ एकदम अच्छे से पता चल गया है। आइल ऑफ आर्मर का मैं प्रो बन गया हूँ भाई, और प्रो बनने के बाद मेरे को एकदम अच्छे से सब कुछ पता है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या पता है, अभी देखो यहाँ पे एक धमाकेदार चीज़ होने वाली है जो कि आप सभी लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और यहाँ पे सब लोग कूद रहे भाई, खुशी मना रहे, पता नहीं किस चीज़ की खुशी है। यहाँ पे स्क्वेटल बल्बसॉर, ओके अभी देखना यहाँ पे क्या धमाकेदार होगा, हम लोग को बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है भाई, देखते रहना। ओके यहाँ पे देखो अभी अपने पास एक ऑप्शन है, हम लोग स्क्वेटल को चूज़ करें या फिर बल्बसॉर को, सो ये ऑप्शन आप लोग के पास भी आएगा, आप लोग चाहो तो स्क्वेटल को चूज़ कर सकते हो या फिर बल्बसॉर को। वैसे मैं तो भाई स्क्वेटल को चूज़ करूँगा क्योंकि बल्बसॉर से ज़्यादा अच्छा मेरे को स्क्वेटल लगता है, और आपने क्या चूज़ किया मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं स्क्वेटल को चूज़ करें या फिर बल्बसॉर, स्क्वेटल को ही चूज़ करते भाई, मेरे को पसंद है स्क्वेटल। ओके तो यहाँ पर मैंने स्क्वेटल को चूज़ किया भाई, ओके भाई लोग आप लोग ने क्या चूज़ किया मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे भाई हम लोग मतलब आपके ऊपर है आपको क्या चूज़ करना है, बल्बसॉर या स्क्वेटल, जिसको जो अच्छा लगता है वो चूज़ करो भाई, मेरे को तो स्क्वेटल अच्छा लगता है बल्बसॉर के कंपैरिजन में, तो इसके लिए भाई मैंने स्क्वेटल चूज़ किया। और यहाँ पे जैसे आप लोग ये कर लोगे ना, जैसे यहाँ पे आप स्क्वेटल या फिर बल्बसॉर में से किसी को चुनोगे ना, सो उसके बाद आप लोग को अभी देखो जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, आपको भी भाई मेरे पीछे पीछे वहीं पे चलना है, उसके बाद ही भाई आप लोग का गेम एकदम अच्छे से, मतलब देखो गेम्स के ना भाई कुछ स्टोरी होती है जिस स्टोरी को हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ता है, वरना गेम भाई आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वो जो स्टोरी है ना, पहले भाई हम लोग को मतलब क्या बल्बसॉर और स्क्वेटल में से किसी एक को चुनना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऊपर चलना है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे चलते रहो। ये देखो यहाँ पे चलना है, और यहाँ पे भाई ब्रॉलर्स केव के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और इसके बाद ब्रॉलर्स केव के अंदर यहाँ पे चलना है भाई हम लोग को सर्फ करके, सर्फ नहीं भाई मतलब बाइसाइकिल राइड करके भाई, वाटर राइड करके। यहाँ पे देखो एक केव है, और यहाँ पे एक और धमाकेदार चीज़ होने वाली है। ओके लगता है मैं गलत जगह पे आ गया, एक मिनट रुको, मेरे को देखने तो मैं खुद ही भटक गया क्या, लेट मी सी, मेरे ख्याल से मैं खुद ही भटक गया हूँ, वन मिनट यहाँ पे यही वाला केव है ना, ये नहीं भाई, मेरे को लगता है मैं खुद ही गलत जगह पे आ चुका हूँ, लेट मी सी, ओके नहीं मैं सही जा रहा हूँ, ऊपर ही जाना है भाई, मैं रास्ता थोड़ा भाई मेरा दिमाग है ना कि मतलब यहाँ पे रास्ते थोड़े कन्फ्यूजिंग है, इसके लिए मैं थोड़े रास्ते में यहाँ वहाँ भटक जाता हूँ, ये थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़। और देखते हैं अभी क्या करना है भाई हम लोग को, और चलना है ऊपर, यहाँ पे ऊपर आगे कुछ हुआ नहीं भाई, मेरे ख्याल से मैं रास्ता भूल गया हूँ, लेट मी सी भाई, एक मिनट, रास्ता तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, बच के रास्ता कहीं नहीं जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा भाई, यहाँ वहाँ हम लोग को थोड़ा भटकना पड़ेगा, अभी चलना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा भाई रास्ता मेरे को। यहाँ पे देखो एक और रास्ता है यहाँ पे, ओके मैंने रिपील यूज़ नहीं किया क्या, एक मिनट रिपील यूज़ नहीं करूँगा तो भाई वाट लग जाएगी अपनी,
ओके, रास्ता यहाँ से होगा शायद से, ये वाला रास्ता होगा भाई। ये भी नहीं है भाई, वो हो ये भी नहीं है रास्ता, ये वाला भी नहीं है। ये कैसे, मगर ये क्या हो गया भाई, ये क्या ही हो रहा है भाई मेरे साथ, मतलब मैं रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे एक रास्ता था जिसके अंदर भाई हम लोग को बैटल करने का था, बट वो रास्ता मिल ही नहीं रहा अभी। ओके भाई, वापस यहाँ पे, ये गलत हो गया भाई, गलत सीन हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, मैं प्रो बन के भाई खुद ही नूब बन गया हूँ क्या अभी, मतलब रास्ता गायब है यार। एक मिनट, शायद से ऊपर एक केव शायद से उसके अंदर होगा, लेट मी सी, ये वाला केव भाई इसके अंदर होगा शायद से। ओके ओके भाई, ये देखो, हाँ ये वाला, ये वाला भाई, मतलब मैं वही कंफ्यूज हो गया भाई कि मैं खुद ही प्रो बन के खुद ही नूब कैसे बन गया। तो ये देखो भाई, ये रहा एक और केव वार्म अप टनल। मेरे को क्या लग रहा था, पता है केव के अंदर केव होगा, बट ऐसा नहीं है, ये भाई ये केव बाहर से आया। मैं मतलब उसी केव के अंदर मैं कन्फ्यूज हो गया था कि ये रास्ता कहाँ पर गया, बट ये ना भाई यहाँ पर अलग जगह से भाई, ये देखो ये रहा भाई, यहाँ से आपको अंदर चलना है, और अंदर चलने के बाद अपना जो गेम का अगला पार्ट है वो भाई कंटिन्यू होगा। और भाई लिटरली ना, कभी कभी गेम खेलते खेलते मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसके लिए बोलते भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और जैसे आप लोग भाई बल्बासोर और स्क्वाटल में से किसी को चूज़ कर लोगे, तो आपको यहाँ पे इस मशरूम के पास आना, और यहाँ पे ना आपसे एक ट्रेनर बैटल करेगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ट्रेनर आ चुका है। ओके ये देखो भाई ट्रेनर, इससे बैटल होगी अपना, ये भी देखो बैटल होगी भाई, टेंशन ना लो बैटल होगी। ये देखो भाई बैटल हो चुका है स्टार्ट, और इसको हम लोग हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हरा देंगे इसको आराम से। यहाँ पे मैंने डायनामैक्स नहीं किया, बट ज़रूरत भी नहीं है भाई, कर लेंगे इसको तो ऐसे ही हरा देंगे हम लोग। और ये भाई गलारियन रैपिड ऐसे, जिसकी टाइपिंग ना मेरे ख्याल से फेरी टाइप भी थी, बट नहीं मेरे को इतना अच्छे से पता नहीं है, साइकिक टाइप मेरे को लग रहा है, फेरी टाइप का कुछ गारंटी नहीं है, बट ठीक है। वॉब फेट के लिए मैं करूँगा मैक्स गे सर, वैसे वॉब फेट भाई काफ़ी तगड़ा पोके मैंने, अच्छा हुआ इसका काउंटर मिस हो गया, वरना भाई ये मेरे को एक अटैक में फेंड कर सकता था भाई। वॉब फेट की पावर ना इतनी ज़्यादा है ना भाई कि क्या ही बोलेंगे, उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भले अटैक नहीं कर सकता बट उसका डिफेंस भाई किसी अटैक से कम नहीं है। काउंटर, मिरर कोट, ये सब कितने खतरनाक है ना भाई, आप लोग को पता ही होगा भाई, आप लोग एनिमी देखते हो, गेम्स खेलते हो भाई, आप लोग को पता ही होगा कि कितने ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे इस बंदी को मैं लगभग हरा चुका हूँ। ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और अटैक, ये लो भाई ख़त्म। ओके ख़त्म भाई, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके यहाँ पे देखो हमने इसको हरा दिया, और अपना जो एक पोकेमोन है जमेजेंटा, वो क्लोज कॉम्बैट सीखना चाहता है, तो इसके पास दो स्टील टाइप अटैक है, जिसमें से एक की पावर 85, एक की पावर है 80, तो हम लोग 80 वाले को डिलीट कर देते क्योंकि उसकी ज़्यादा थी। जैसे इनका भी लेवल 77, इसको भी क्लोज कॉम्बैट सीखना है। अरे भाई दोनों, मतलब दोनों पार्टनर्स एक लेवल पर एक ही अटैक सीखते हैं, वाह, सेम लेवल पर सेम अटैक, वाह भाई वाह, कतई ख़तरनाक है भाई तुम्हारी पार्टनरशिप, मान गया भाई तुम्हारी दोस्ती को। 120 है, मैं सोच रहा हूँ स्लैश को हटा देते, क्योंकि नॉर्मल टाइप अटैक ज़्यादा किसी के ऊपर इफेक्टिव नहीं होते, और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं था। और इसका नाम क्या पता है, ये भी हमारा एक राइवल है, राइवल आइवेरी ऐसा कुछ तो उसका नाम था, अवेरी। ओके यहाँ पे ये भी कुछ पॉटी के उसमें भाई बका है, और बोलने के बाद चले भी गए। सो देखो अभी हम लोग को वापस चलना है, और वापस चलने के लिए आपको क्या करना है वो आपको पता ही होगा। वैसे भाई लोग, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न में फंस गया था, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्रो समझ रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रो हूँ, मेरे को देखो गेम की पूरी स्टोरी पता चल चुकी है, बट मैं कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, और कन्फ्यूज़न में भाई यहाँ से वहाँ हो जाता है, तो टेंशन ना लो हम लोग। भाई देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा ना लंबा हो गया भाई, मैं फालतू में नीचे गया था, वैसे कोई बात नहीं। हम लोग भाई यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपना टैक्सी है, टैक्सी यूज़ करके यहाँ पे चलते, और उसके बाद यहाँ पे चलना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक नया सीन है, ये देखो भाई यहाँ पे अब ये लोग भाई पता नहीं क्या पंचायत कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, बट हम लोग को गेम खेलने से मतलब है भाई। और ये देखो भाई अपना हो चुका है, यहाँ पे बातचीत हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लंबी बातचीत होने के बाद ये लोग भाई चले गए अपने अपने रास्ते। और अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को चलना है नीचे। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे अपना मस्तर्ड भैया है, मस्तर्ड, इसको क्या बोलूँ भाई, मस्टर्ड इससे बात करना भाई। और यहाँ पे वापस सब लोग आ जाएंगे, और ये ब्लैक ब्लैक करना नहीं छोड़ेंगे भाई, ये लोग की आदत है ब्लैक ब्लैक करना, पता नहीं कितना भाई, मतलब पका देते यार, सच में मेरा दिमाग खा लेते ये लोग। और यहाँ पे जैसे आप लोग भाई ब्लैक ब्लैक कर लोगे, यहाँ पे देखो ये रास्ता खुल जाएगा, और इसके अंदर घुस जाने, एक मिनट रुको मैं अपने पोकेमोन को हील करा के आता हूँ, वरना भाई थोड़ी दिक्कत हो जाएगी।
ओके गाइस, यहाँ पे मैंने अपने पोकेमोन्स को कर लिया हील, और हील करने के बाद यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। वैसे मेरे को पता है क्या होगा, बट आप लोग के लिए थोड़ा मतलब नहीं पता होगा, आप लोग को थोड़ा यहाँ पे आपको मज़ा आएगा भाई देखना, एकदम बढ़िया चीज़ होने वाली यहाँ पे। और मैंने अपने पोकेमोन को हील क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा। अपने जो राइवल है ना क्लरा, इसके साथ अभी हम लोग को लेना है पंगा, एकदम खतरनाक वाला भाई। वापस इसके साथ बैटल होगा और बैटल में हम लोग इसको हराएंगे इस बार भी। ड्रैपिन के ऊपर मैं करूँगा फ्लेम थ्रोर, पहले मेरे को भाई करने दो इसको क्या बोलते हैं एटर्ना मैक्स, इसका फॉर्म एटर्ना मैक्स एटर्नेटस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भाई। इसके सामने ऐसे भी कोई पोकेमोन टिक नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा वैसा कोई पोकेमोन नहीं टिक पाएगा, जैसे कि मैजिका, रैटेटा, वैसे मैजिका भाई गॉड है, कुछ भी बोलो, पीछे से आगे से तो नहीं बट पीछे से तो है भाई। ओके यहाँ पे मेगा स्लो ब्रो, स्लो ब्रो ओके भैया, तो वाटर टाइप पोकेमोन है ना, तेरे को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओके क्लरा को हराना भाई बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पोकेमोन का लेवल ना उसके पोकेमोन के लेवल से ज़्यादा है, तो यह एडवांटेज का हम लोग फ़ायदा लेंगे। और ये वीजिंग जो कि गलारियन वीजिंग है, फेरी टाइप भी है भाई, इसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक नॉट वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं भाई, मतलब लगता ही नहीं है इसको। और यहाँ पे इसका भी कहानी ख़त्म, और नेक्स्ट कौन है भाई, जल्दी जल्दी आओ यार, जल्दी जल्दी आओ, एक साथ दो दो को भेजोगे तो भी चलेगा। हमारे अंदर मतलब हमारा एटर्ना मैक्स एटर्नेटस एक साथ तीन तीन पोकेमोन को संभाल सकता है, तीन तीन से लेके चार चार भाई। एनिमी के अंदर इसने, एनिमी और गेम्स के अंदर जो मतलब पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो ऑफिशियल गेम है उसके अंदर भाई जेसीएन जेमेजेंटा की क्रोन फॉर्म से और साथ ही साथ सिंड्रेंस वो सबसे भाई मतलब लिटरली इसने अकेले सबको संभाल लिया था। बट ठीक है ना भाई, स्टोरी थोड़ी अटपटी थी जिससे कि इसको भाई कैप्चर कर लिया गया था, वरना भाई तहलका तो मचा ही रहा था। और अगर इसको पकड़ते नहीं ना भाई, फिर तो पता चल ही जाता कि एटर्ना मैक्स एटर्नेटस कितना ज़्यादा खतरनाक है। बट इसको भाई पकड़ लिए थे, और भाई एनिमी के अंदर जो इसको पकड़ी गए, मतलब जैसे इसको पकड़ी ना, वो देख के मैं तो हैरान हो गया था भाई, ऐसा कैसे पकड़ लिया भाई इसको। मतलब लेजेंडरी पोकेमोन की भी कभी कभी ना एनिमी वाले इज्जत उड़ा देते भाई, इतना आराम से कैसे कोई पकड़ लेता है यार, समझ में ही नहीं आता है। बट ठीक है भाई, चलता है, थोड़े बहुत मज़े भी होने चाहिए, वरना फिर एनिमी देखेगा कौन। बट ये ना भाई मतलब लॉजिक से बाहर कर देते ना, दिमाग इधर से उधर हो जाता है। लेजेंडरी पोकेमोन को मतलब पकड़ने के लिए कम से कम थोड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा एकदम मतलब एकदम खतरनाक मास्टर बॉल जैसा सीन हो तो मज़ा आता है भाई, बट ऐसे ही कोई भी पकड़ लेता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे ज़्यादा भाषण देने के मूड में नहीं हूँ। और यहाँ पे अपना राइवल अवेरी भी है, और इससे भी हम लोग को बैटल करना पड़ेगा। देखो अभी हम लोग ने इसको हराया था थोड़ी देर पहले, और भाई इसके अंदर अक्कल नहीं है, तुरंत आ गया वापस से भिड़ने भाई, इसको क्या ही बोलूँ, बट हम क्या कर सकते भाई, इसको हराना तो पड़ेगा भाई। अभी थोड़ी देर पहले भाई इसको हम लोग ने हराया, मतलब एक बैटल पहले ही भाई। वाह भाई, इतना देर को क्या है भाई बैटल करने का मेरे साथ। आई एम ए स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर, और स्ट्रॉन्ग लोग से सभी बैटल करना चाहते, देखना चाहते भाई कि कितना दम है उनके अंदर, क्योंकि चैंपियन से तो कोई भी बैटल करना ही चाहेगा भाई। ओके आई एम ए चैंपियन ऑफ दिस गेम, आई एम द चैंपियन। वाह बफेट से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसकी मिरर कोट, इसका काउंटर इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, सच में डर लगता है। अच्छा वह फेल हो गया इसका अटैक, अगर इसका अटैक लग गया ना तो फिर हमारे पोकेमोन की भाई खड़े खड़े वाट लग जाएगी, क्योंकि उसके अटैक्स ना इतने ज़्यादा पावरफुल है। वैसे अटैक्स नहीं, वो डिफेंसिव मूव है, बट भाई इतने खतरनाक मूव से ना कि एक बार अगर छू के निकल गया ना तो भाई पोकेमोन का काम खत्म, इतना खतरनाक है भाई उसका। मैं मान गया भाई, वॉब फिट भले ही अटैक नहीं कर सकता, मगर जब वो मतलब डिफेंस में, उसके डिफेंस में इतना पावर है कि वो सामने वाले पोकेमोन को हरा देते हैं। ये भाई कमाल है वॉब फिट की, जो मतलब क्या बोलते हैं उसका उसकी एबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, उसकी एबिलिटी पावर इतनी सही है ना भाई कि क्या ही बोलेंगे। और एस्पियन के लिए डायनामिक्स कैनन बहुत ज़्यादा ही बड़ा अटैक था, बट ये फेंड नहीं हुई। वाह भाई वाह, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो एक बार में नहीं होता वो दूसरी बार में हो जाता है, और दूसरी बार में भी नहीं होगा तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तीसरी बार में तो कर ही देंगे ना। ओके चल भैया, तू भी निकल ले, जाओ यार पार्टी वार्टी करो, मेरे साथ क्यों बैटल कर रहे हो, हारना क्यों पसंद है यार, मेरा अकेला पोकेमोन तुम्हारे पूरे पोकेमोन को हरा रहे हैं। तू वापस आ गया भाई, तेरे लिए तो फ्लेम थ्रोअर ही काफ़ी है, बट तू फेंड नहीं होगा, बन हो गया ना, बस भाई मेरे को बन करना था, फोकस ब्लास्ट। देख भाई सपना छोड़ दे तू कि हमारे एटर्ना मैक्स एटर्नेटस को तो हरा पाएगा, सपने में भी हरा दिया ना तो बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है सपने में तो कोई भी किसी को हरा सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमने इसको भी हरा दिया, और यहाँ पे ना वापस ये लोग भाई अपनी पंचायत ये लोग शुरू कर देंगे, जिसमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये लोग को ही समझ में आएगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो ये वाला सीन है पता है, मतलब समझ जाओ कि हम इंडियंस लोग कहीं पे ऐसे देश में चले गए जहाँ पे सिर्फ हम लोग मतलब सुन सकते और कुछ बोल नहीं सकते, बोल सकते मगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे बोलेंगे क्या, अगर हम कुछ बोल देंगे तो भी फंसने के पूरे चांसेस है। इसके लिए भाई सिर्फ सुनो बोलो मत, मुंह बंद रखो वही सही है। और यहाँ पे भाई स्किप करते रहो, क्या ही कर सकती।
ओके यहाँ पे मस्टर्ड से बात कर लेते भाई। ओके देखो यहाँ पे ना अभी इसने हम लोग को एक कुफ्फू दिया है, कफ्फू कुब्बू जो भी बोलो भाई, कुम्फू इसका नाम रख देते भाई, के यू भी कफ्फू भाई, कुफ्फू कफ्फू क्या मैं इसको प्रोनाउंस करने को समझ में नहीं आ रहा है, इसका नाम कुम्फू रखते ना तो ज़्यादा बेटर रहता। और देखो ये ना अभी हम लोग को भाई कुफ्फू कुम्फू और भाई इससे बात करना पड़ेगा भाई, बात ख़त्म करते इससे फटाफट, बात ख़त्म। और यहाँ पे ना इस बंदे ने देखो इसने ना मेरे को कुफ्फू जो इसका कुफ्फू कफ्फू जो भी पोके मैंने ना उसने मेरे को दे दिया, मैं आप लोग को भाई प्रूफ भी दिखा देता हूँ, देख लो पीसी के अंदर लेके चलता हूँ आप लोग को, दिखा भी देता हूँ भाई उसने मेरे को क्या पोकेमोन दिया क्या नहीं दिया। पोकेमोन सेंटर के अंदर आ गए, ये देखो पहले हील करा लेते, हीलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ओके यहाँ पे हील हो चुके मेरे पोकेमोन्स। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो भैया, पीसी के अंदर देख लो, ये रहा अपना स्क्वाटल जिसको अभी हम लोग ने चूज़ किया, और ये देखो भैया कुफ्फू कफ्फू जो भी बोलते हैं इसको, ये देखो भाई कुफ्फू कफ्फू जो भी है अपने टीम में आ चुका है, और इसको भी हम लोग स्क्वाटल के बाजू रखते हैं। मतलब देखो आज के एपिसोड के अंदर हम लोग को दो पोकेमोन मिले, एक तो एक कफ्फू और एक स्क्वाटल। कुफ्फू कुम्फू बोलता हूँ भाई मैं इसको, कुम्फू बोलता हूँ प्यार से, इसका कफ्फू ना मेरे को बोलना ठीक नहीं लग रहा, इसको मैं कुम्फू बोलूँगा वो बेटर रहेगा। और भाई लोग आज के एपिसोड के अंदर हम लोग को दो नए पोकेमोन्स मिले हैं, और भाई लोग आज के एपिसोड ना कितना ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ख्याल से भाई सभी को एकदम बढ़िया लगा होगा, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है और ऐसे चीज़ें की जो कि भाई मतलब ज़्यादा लोग को पता ही नहीं है, मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग को ये चीज़ें पता नहीं होंगी ऐसा मेरे को लग रहा है, बट ठीक है अगर पता होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है भाई, आप लोग को पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ऐसे काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे भाई गेम एंड हो गया क्या, नहीं देखो अभी गेम एंड नहीं हुआ है, इस गेम के अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को करना है, और जब एंड होगा तो भाई उस टाइम में मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि ये लास्ट एपिसोड था और इसके आगे कुछ ऐसा कुछ करने को बचा नहीं है। ओके सो भाई लोग चैनल को सभी लोग कर देना सब्सक्राइब इस गेम की और भी एपिसोड्स देखने के लिए। ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आई होप सो कि सभी के लिए भाई ये वाला एपिसोड हेल्पफुल होगा और मेरे ख्याल से सबको पसंद भी आया होगा भाई, क्योंकि यहाँ पसंद आया होगा भाई। और लाइक कर देना भाई वीडियो को, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना भाई, उनको भी पता चलना चाहिए कि सॉर्ड एंड शील्ड जो GBA गेम है भाई इतना जल्दी एंड होने वाला नहीं है। सो बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।